जैसे मैंने क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दो मोड देखने को मिल रहा है। पहला मोड है निशु मोड और सेकंड है निशु मोड 2। तो मैं सिंपली निशु मोड 2 खेलने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने निशु मोड खेला हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम लोग निशु मोड 2 पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कितना ही मज़ेदार इसमें मोड आएगा। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से क्लिक कर लेता हूँ मैं इसमें। ओके गाइस, यहाँ पे मेरा गेम स्टार्ट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मारुति कार मिला है फिर से। ओके गाइस, तो मैं क्या देख रहा हूँ, आज लग रहा है मुझे फार्मिंग करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए जल्दी से फार्मिंग मोड करते हैं आज। ओके, तो चलिए, पीछे में मेरा खड़ा हुआ एक बड़ा मशीन दिख रहा है जिसका नाम है हार्वेस्टर मशीन। चलिए इससे आज हम लोग को कटाई करनी है इन मकई के, जो कि पीछे बगल में लगा हुआ खेती आप लोग देख सकते हैं, इसके बगल में जो खेती है इसको पूरा कटाई करेंगे। उसके बाद हमें एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से चलते हैं हार्वेस्टर के पास और देखते हैं क्या मिशन मिलेगा आज हमें। पहले तो हमें इस खेती का कटाई करना पड़ेगा, तो चलिए इस मशीन पे मैं आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ओके गाइज, आज तक मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया चलाने का, लेकिन आज मैं इसे ट्राई करूँगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, इस मशीन को घुमा लेते हैं। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन समझ लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये हार्वेस्टर मशीन है, जो कि इसका आगे का यूज़ करने का तरीका मैं बतला देता हूँ आपको। सिंपली ये देखिए अप एंड डाउन लिखा हुआ, जिससे ये ऊपर आगे नीचे हो जाता है हमारा। उसके बगल में ऑफ का है, इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये घूमने लगता है आगे का, जिससे हम लोग का आगे का पूरा ये कटाई होने लगेगा। चलिए चलते हैं, अब हम लोग खेत की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग सिंपली सीधा करके लगा लेता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर में हम लोग को मिशन मिलने वाला है। इसको पूरा काटेंगे तब जाके वो मिशन दिखाई देगा, जो कि आप लोग को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए पहले इसको कटाई कर लेता हूँ, तब आप लोग को देखने को मिलेगा क्या ही मोड मिलने वाला है मुझे। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा आप लोग को मैं बतला देता हूँ थोड़ी देर में, पहले इसको शुरू कर लेते हैं काटने के लिए। ओके गाइस, यहाँ पे हम लगा मशीन चालू हो चुका है, हार्वेस्टर मशीन। चलिए इसको आगे लेके। ओके गाइस, तो चलिए अब फटाफट इसको कटिंग करते हैं और देखते हैं क्या मिशन मिलेगा हमें। ओके गाइस, ये इसी मोड के अंदर मुझे एक मिशन मिलने वाला है, जिसको हमको कंप्लीट करने के बाद क्या मिलेगा मैं बतला देता हूँ। ओके गाइस, मैं इसे कम्प्लीट करूँगा तो मुझे एक करेक्टर मिलने वाला है, जो सिंपली हम लोग को कौन सा करेक्टर होगा मुझे नहीं पता है। चलिए जल्दी से इसको कटाई कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैं क्या देख रहा हूँ, इसके अंदर में हमें कुछ ऑयलों के ड्रम पड़ा हुआ है। ओके गाइस, यही हम लोग का मिशन था शायद, इसको शायद हम लोग पूरी तरह कटिंग कर लेते हैं, फिर आप लोग देखते हैं क्या इसमें करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पे पूरी तरह से काट लेता हूँ मैं अच्छी तरह से। ओके गाइस, ये देखिए यहाँ ऑयलों का ड्रम पड़ा हुआ है। ओके गाइस, मुझे समझ आ गया कि हमको इसको ऑयल के ड्रम को सिंपली यहाँ से ले कर जाना है। ओके गाइस, यहाँ पर पूरी तरह से काट लेता हूँ मैं अच्छी तरह। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको सिंपली धीरे धीरे काटिंग कर रहा हूँ। ओके गाइस, पूरा ध्यान से काटना होगा। ओके गाइस, तो इसको हमें सिंपली ट्रैक्टर पे लोड करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमको अब हम यहाँ पर पूरी तरह से कटिंग हो चुकी है हमारी खेत की, तो चलिए इसको सिंपली अब खड़ा कर देते हैं जितना चौड़ता हो गया हम लोग का। चलिए यहाँ पर मैं, ओके गाइस, यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर मंगा के, ओके गाइस, यहाँ पे लोड भी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑयल के ड्रम को इस पर लोड करके हम लोग को सिंपली ले जाना है हमारे पेट्रोल पंप के पास। आप लोग को पता ही है इन ऑयलों का जरूरत तो पेट्रोल पंप में ही होता है, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ रहता है। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं, अब सीधे यहाँ से पेट्रोल पम्प सामने में दिखता है, आप लोग को पता ही है। ओके गाइस, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर सामने मड। ओके गाइस, तो हम लोग को इस मड के अंदर से ही होके जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का वो मिशन कंप्लीट होगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपली खड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद ही घुसाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपली मैं घुसा दूंगा तो यहीं अटक जाएगा यहीं पे और हम लोग का मिशन भी फेल हो जाएगा। ओके गाइस, अब चलिए सिंपली सेटिंग में चलते हैं, उसका पावर को बढ़ा लेता हूँ मैं। ओके गाइस, यहाँ पे पावर हमने बढ़ा लिया है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हमारे टोचन किंग में पावर बढ़ चुका है, सिंपली हम लोग सिंपली उतार देता हूँ उसमें। ओके गाइस, जब से टोचन किंग आया है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा लग रहा है खेलने में, इसी तरह से आप लोग वीडियो बना के खेलिएगा। तो चलिए अभी लोग तो पार करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इसे और वीडियो देखने के लिए। तो जल्दी से हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, इसे जल्दी जल्दी पार करता हूँ मैं।
तब जाके हम लोग को एक न्यू करेक्टर देखने को मिले। ओके गाइस, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ धीरे से निकाल लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फंसने का डर रहता है। हम लोगों ने सिंपली इसका डाला को थोड़ा सा उठा लिया था। चलिए, यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग का ट्रोजन किंग निकाल लिया है हमारे इस बिग ट्रॉली को। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं हम लोग को थोड़ा स्पीड कम कर लेते कि अब स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग का बाहर आ चुके हैं। सिंपली हम लोग ने 1000 लिख दिया है इसमें। ओके गाइस, यहाँ पे 1000 का स्पीड काफ़ी रहेगा हमारा। तो चलिए, अब चलते हैं हम लोग पेट्रोल पम्प की तरफ, जल्दी जल्दी से चलते हैं और मुझे न्यू कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो चलते हैं अब हम लोग पेट्रोल पम्प की तरफ। चलिए, अब जल्दी सीधा मिलता हूँ पेट्रोल पंप के पास आपको। 1 hour later, मैं पेट्रोल पंप के पास आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पर इसे अनलोड करके खाली करके तो हम लोग कर देंगे है, और उसके बाद मिल जाएगा मुझे न्यू करेक्टर। तो चलिए, यहाँ पर सिंपली हम लोग चढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर सिंपली इसी जगह साइड में लगाता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर खड़ा करके इन ड्रमों को यहाँ पर खाली कर देता हूँ। ओके गाइस, सिंपली हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे उठाएंगे नहीं, सिंपली जाएंगे सेटिंग में जाके इनकी बिग ट्रॉली को वहाँ पे टिक को हटा देना है। चलिए, सेटिंग में आ गया हूँ मैं। ओके गाइस, यहाँ बिग ट्रॉली पे टिक हटाया। ओके गाइस, देखिए सिंपली तरह से मैंने खाली कर लिया इसे। तो चलिए, यही एक ट्रिक है, देखिए सिंपली मैंने इसे खाली कर लिया था। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग ट्रॉली लेके बाहर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें कौन सा करेक्टर देखने को मिलता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, इसको अपना पेट्रोल पंप से बाहर लेके आ जाता हूँ और देखते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्टर। ओके गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पर मिशन कंप्लीट होके मुझे मिल चुका है न्यू करेक्टर। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर चलाते हुए हमारे न्यू सुदेशवाल दिख रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं था, मैंने सोचा क्यों नहीं एडिटिंग करके बनाया जाए वीडियो पे, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सी और वीडियो देखने के लिए चैनल को बने रहिए। मिलते हैं।